दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी रिजल्ट 2022 को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आप देख पा रहे हैं लिखा गया है ऑफिशियल नोटिस, इस डेट को आएगा रिजल्ट। बिल्कुल मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊँगा कि आपका रिजल्ट जो है आयोग के द्वारा वो कब जारी किया जाएगा। और नीचे देख पा रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ लिखी गई है, अगर आपने पीईटी 2022 का एग्जाम दिया है तो बिल्कुल आप सभी को नई भर्ती का सब्री से इंतजार है। इसके तहत हम आपसे बात करेंगे पीटी 2022 के तहत आने वाली भर्तियों के विवरण पर, यानी पीटी 2022 के तहत कौन कौन सी भर्ती आपके बीच में आ सकती है। नीचे लेखपाल भर्ती रिजल्ट कब तक आएगा, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले उस अपडेट से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं जो अपडेट्स आपके समक्ष निकल कर आ रही है। अपडेट आपके समक्ष लगा है, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं लिखा गया है पीटी 2022 वालों के लिए बम्पर भर्ती दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते तक परीक्षा का परिणाम देने की तैयारी। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि पीटी 2022 वालों के लिए बम्पर भर्तियां दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले सप्ताह तक परिणाम देने की तैयारी। इसके अंतर्गत आगे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2022 पीटी वालों के लिए नए साल में भर्तियों का रास्ता खोलेगा। इससे पहले दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते परीक्षा परिणाम देने की तैयारी है। आयोग तब तक भर्तियों के लिए नया विज्ञापन नहीं निकालेगा, उच्च स्तर पर इसको लेकर फैसला हो गया है। आगे आपसे कहा जा रहा है 25 लाख भर्ती की लाइन में। बिल्कुल आप सभी को पता है, लगभग हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी पीटी के तहत लगभग 37-38 लाख कैंडिडेट ने पंजीकरण करवाया था, लेकिन इसके अंतर्गत जो है लगभग 25 लाख कैंडिडेट पीटी का एग्जाम दिया था। आप सभी को पता है कि बहुत बड़े स्तर से इस परीक्षा परिणाम जितने लगभग कैंडिडेट ने दिया था, लगभग उसमें 25 लाख अभ्यर्थी जो है पार्टिसिपेट किए हुए थे। आगे कहा जा रहा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीटी 2022 में वैसे तो 37.58 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन 25.12 यानी 25 लाख अभ्यर्थी जो है परीक्षा में बैठे थे। इसकी जो अवधि होती है आपके यहाँ जो है एक साल की होती है, यानी एक वर्ष के लिए पीटी का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है। पीटी 2021 की अगर हम बात करें तो वह 8 जनवरी तक उसकी वैधता बढ़ाई गई है। फिलहाल के लिए यह मानकर चलिएगा जब तक 2022 का परीक्षा परिणाम पीटी का जारी नहीं हो जाता तब तक 2021 का पीटी का सर्टिफिकेट है वह बरकरार बना रहेगा। यहाँ देखिए स्कैनिंग का काम शुरू, आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक पीटी 2022 का परिणाम देने के लिए स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इसे दिसंबर या जनवरी के दूसरे या पहले सप्ताह तक आपका परिणाम जारी किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे हम आपसे चर्चा करते हैं, देखिए अब सबसे बड़ी चीज़ लिखी जा रही है यहाँ पीटी 2022 के तहत आने वाले भर्तियों के विवरण पर। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा पीटी 2022 के तहत जो आपके यहां बड़ी भर्ती आने की संभावना है वह सबसे पहली भर्ती आपके यहां देखने को मिल सकती है लेखपाल की। ठीक है, लेखपाल की भर्ती आपको देखने की मिल सकती है। उसके बाद आपको एक नई बीईओ की भर्ती यानी खंड शिक्षा अधिकारी की देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए इस पर हम विस्तृत रूप से आपको वीडियो देंगे कि पीटी 2022 के तहत कौन कौन सी भर्ती आने की संभावनाएं लग रही हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ लेखपाल रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा लेखपाल रिजल्ट जो दोस्त एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, दिसंबर तक आपका जो लेखपाल रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। दिसंबर लास्ट तक भी जा सकता है या मानकर लेगा दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।